सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज का हमारा टॉपिक है कि एक चीपेस्ट पेंसिल से रियलिस्टिक ड्राइंग कैसे करें। तो मैं जो सामान यूज़ कर रहा हूँ वो आपको मैंने ऊपर दिखा दिया वीडियो में। तो अब ड्राइंग स्टार्ट करते हैं। तो ड्राइंग को स्टार्ट करने के लिए हम लोग सबसे पहले कोई भी ड्राइंग में, कोई भी अगर ड्राइंग हो, अगर रियलिस्टिक इफ़ेक्ट लाना है आपको तो लेयर बाई लेयर काम करना होगा। मतलब टाइम लगाना पड़ेगा भी ड्राइंग में। तो पहले हम लोग फर्स्ट लेयर अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट लेयर अप्लाई करने के बाद जो होता है हमारा, जहाँ जहाँ पे ना डार्क इफ़ेक्ट आती है, जहाँ जहाँ पे लाइट, तो इस हिसाब से जहाँ पे डार्क होगा वहाँ पे थोड़ा सा पेंसिल से डार्क कर देंगे, और जहाँ पे लाइट होगा वहाँ पर नीडेबल इरेजर से थोड़ा थोड़ा सा धीरे धीरे करके इरेज कर देंगे। धीरे धीरे हम लोग लेयर बाई लेयर ऐड करते जाएंगे जब तक हमारा ड्राइंग की ऐसा ना दिखने लगे कि अच्छा लग रहा है दिखने में, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है दिखने में, ऐसा ना लग जाए। आपको लेयर बाई लेयर ऐड करना ही करना है। और मैं इस ड्राइंग को बनाने के लिए यूज़ कर रहा हूँ स्मूथ पेपर, जो कि ब्रुस्टो कंपनी की है, और डोम्स की ग्रेफाइट पेंसिल जो कि 50 से 60 रुपए में आपको इजीली बाज़ार में मिल जाएगी, और मैं एक नीडेबल इरेजर और मैकेनिकल पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। मैकेनिकल पेंसिल की यूज़ उतना नहीं है, बट नीडेबल इरेजर आपको रियलिस्टिक के वक्त में बहुत काम आएगा। तो आप ले लो, 40-50 रुपए में आ जाते हैं वो, इजीली मार्केट में मिल जाते हैं 40-50 रुपए में। और मैंने इस ड्राइंग की आँखें पिछली वीडियो में बना दी थी, तो आप उसे देखना चाहते हो तो देख लेना। और इस ये पार्ट टू है, और पार्ट टू में मैं जितना हो सकेगा उतना आज करूँगा। वैसे मुझे लगता तो नहीं है कि ज़्यादा कुछ कर पाऊँगा, लेकिन फिर भी मैं देखता हूँ कितना होता है। तो अब आप बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को ध्यान से देखो और समझो।